असलम एवरी वन एंड दुआ मिर्ज़ा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ब्रेन मसाला विद मी तंजीरा ख़ान दुआ यू आर अ यंग पर्सन एंड यूर ऑल्सो द यंगस्ट क्राइम रिपोर्टर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक ये एक लाजवाब बात है अपने आप में और आप भी लाजवाब है माशा से आब बीन वॉचिंग योर वर्क योर सो यंग येट जो मेचोरिटी है आपके काम में क्या बात है उसकी और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपसे जब जब गुफ्तु की है मुझे बहुत मज़ा आया है तो कैसी हैं आप आई एम गॉड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मे हेर एंड आई एम सो प्राउड टू भी हेयर जैसे मुझे फीलिंग आई थी ना कि मैं इमरान खान का इंटरव्यू करने जा रही हूँ तो आई वॉज देट मच एक्साइटेड कि मैं आपके पास आ रही हूँ वॉट अर स्वीट थिंग टू से थैंक यू सो मच एक्साइटमेंट इज़ ऑल्सो ऑल माइंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आज कल क्या 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 हो रहा है आपकी लाइफ में एनी थिंग दट यू वर्किंग ऑन वेल इट्स ऑल अबाउट क्राइम स्टोरीज़ वेन आई अप इट्स अबाउट मर्डर एंड द स्टोरीज एंड वैन आई गो टू माई बेड इट्स ऑल अबाउट रैपिंग अप द ऑल द क्राइम स्टोरीज एंड लाइन अप करी होती हूँ कि सुबह क्या करना है और अगर किसी स्टोरी का फॉलोअप है तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने लैक की है ना वो सोशल और पर्सनल लाइफ है घर वाले कहते हैं मतलब इंटरेस्टिंगली uh, मेरा और मेरी मदर का कमरा बिल्कुल साथ, साथ है एंड आई यूज़ टू डू वीडियो कॉल टू टॉक टू हर बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है जब मैं आती हूँ वो सोरी होती हैं जब मैं घर से जाती हूँ जब वो जाती हैं ऑफिस तो मैं सोरी होती हूँ टाइम ही मैनेज नहीं होता तो इट्स ऑल अबाउट वर्क वर्क एंड वर्क एट इस इंटरेस्टिंग कि आप जिस फील्ड में है वो बहुत डिमांडिंग फील्ड है बट येट आल्सो मैनेजिंग योर फैमिली एंड आई थिंक जेंडर के भी कई इशूज़ हैं मसाइल हैं बैरियर्स बन जाते हैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ क्राइम रिपोर्टर और आपका बचपन कैसा था ये जर्नी कैसी रही है आपके लिए सोफा सो वेल so, well, ये कहा जाता है और अब मुझे फील होता है कि ये बिल्कुल एक केस स्टडी भी हो सकती है कि हर किसी स्ट्रॉन्ग uh, लेडी के पीछे आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ बोल्ड लेडी आई एम अ ब्रेव लेडी एंड देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस तो मुझे लगता है कि मैं बहुत शाही स्टूडेंट थी आई वॉज़ हाफिज कुरान और वैसे ही वो अबाया पहना पहनावा नज़रें नीची हैं उठनी रही और किसी से बात नहीं ज़्यादा करनी बहुत खामोश देन आई वेंट टू स्कूल तो स्कूल में uh, मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी वॉज मई बेस्ट फ्रेंड उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ शी वो स्ट्रैप बाय रिक्शा ड्राइवर और उसने उसको एक uh, चोरी का मोबाइल फ़ोन दिया और वो मोबाइल फ़ोन ट्रेस हो गया उस लड़की के पास से एंड देन वो रिक्शा ड्राइवर मुकर गया और पुलिस ने उसको फॉलो किया उससे घर पुलिस चली गई और उसके फादर ने उसको इतना मारा कि जब तक उसकी टांगें नहीं टूट गईं तो आई हैव सीन ऑल दैट कि यार वो बंदी इतनी ज़्यादा गलती पे नहीं है जितनी उसको सजा मिल रही है बट शी इज़ वॉइसलेस बिकॉज शी इज़ अ वमेन एंड शी इज़ अ वेमेन जिसको राइट नहीं है कि वो बोले या जिसके पास कोई नहीं है वो अपने मेल इन्वेस्टिगेटर को बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है वो कम्फर्टेबल नहीं थी एट दैट टाइम वेन आई वॉज लाइक थर्टीन ईयर्स ओल्ड आई डिसाइडेड कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूँगी आई वॉन्ट टू रिपोर्ट ऑल दीज इशूज़ आई वॉन्ट टू अड्रेस कि इन एक्चुअल होता क्या है और कम्फर्टेबल जोन कहाँ पर नहीं आता तो फिर आई वॉज द क्राइम रिपोर्टर एट द एज ऑफ नाइनटीन माशालाई थिंक आपने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया उसको फिर अपनी लाइफ का पैशन भी बनाया एंड यू आर डूंग गॉब गुड जॉब एट इट आल्सो एंड आल्सो फील के नेचुरली भी आपके अंदर कुछ इन बिल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग एन इशू मैंने जो आपकी क्लिप्स देखी हैं उसमें एक सेंस ऑफ एम्पथी होती है आपके अंदर क्योंकि जाहिर सी बात है क्राइम रिपोर्टिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब रिगार्डलेस ऑफ दिस जेंडर यू आर बिल्कुल ठीक है ना तो इस फील्ड में रहते हुए आई एम श्योर बहुत सारी मुश्किल का भी आपको सामना करना पड़ा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी हुए हो होंगे आपके ज़रा वॉक अस थ्रू के वो क्या हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है स्टिल क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है प्लस क्राइम रिपोर्टिंग चूज़ की जो कि बिल्कुल एक स्टिग्मा था कि लड़कियाँ तो क्राइम बीट नहीं करती फिर बाइक चलाना शुरू कर दी लड़कियाँ बाइक भी नहीं चला आज भी आप बाइक पर आइए बारिश बारिश में सही तो वो मोहब्बत ही आपसे तो पहुंच ही गया मंजिल आई लव यू टू तो हुआ ऐसे ही ना कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया फिर पेरेंट्स को जहां पर प्राउड करवाना था कि यार आई एम डूइंग द राइट आई एम डूइंग द फेयर प्ले वहां पर फिर मैंने ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फेस की कि पेरेंट्स को एक एक टाइम पर फील होना शुरू हो गया कि यार तुम हर चीज़ वो करती हो जो सोसाइटी नहीं करती तो ये जान के करती हो टीज़ कर रही हो बाइक भी नहीं चलानी तो बाइक भी चलानी है हाफज कुरान हो फिर बाहर जीन्स पहन के भी जा रही हो मेल आ, मेल से आपका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर सो यंग आप वो इंटरेक्ट भी करिए हैं पुलिस स्टेशन में लड़कियां नहीं जाती और शरीफ शहरी नहीं जाते हालांकि हाँ। पुलिस स्टेशन तो है ही उन लोगों के लिए जो शरीफ शहरीों को फंसाया जाता है उन्हीं के लिए के तो वो जगह है बदमाश तो पुलिस स्टेशन वैसे नहीं जाते लेकिन ये भी एक मसला है और अलमिया सोसाइटी का फिर बाइक फिर क्राइम रिपोर्टिंग करनी है और क्राइम रिपोर्टिंग में क्या है एवरी टाइम यू आर रिपोर्टिंग सम मर्डर सम रेप स्टोरीज़ सम सोशल स्टोरीज़ दैट आर नॉट कंसीडर्ड टू बी डिलीवर्ड बाय अ वुमेन और फिर पुलिस मुकाबले हो रहे हैं फिर आ, रात को आपको फ़ोन आ रहा है यार बाइक पकड़ी गई है बाइक छोड़वा दो चर्च पकड़ी गई है चर्च छोड़वा दो तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रहीं फिर शुरू में इवन जो मेरे कज़न्स थे उन्होंने बिल्कुल बैक ऑफ कर लिया कि नहीं शी इज़ द लेडी जिससे बात नहीं करनी है और इसने तो हमारी नाक कटवा दी है गली के कॉर्नर्स पे जब ये घर आती है तो सारे कहते हैं वही पता तुझे क्राइम रिपोर्टर है तो लोग डरते हैं तो वो ज़ाहिर है गॉसिप का पार्ट बन जाते हैं ना ना चाहते हुए भी उन सारी चीज़ों को फेस किया और कर रही हूँ और करना भी पड़ेगा लेकिन आई विल बी द एम्बेसडर फॉर ऑल द वमेन हु वॉन्ट टू डू दैट मैंने उनके लिए रास्ता आसान कर दिया और जो मेरा एम था वो ये था कि इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं बहुत सारी लड़कियाँ जिनमें टैलेंट है आपको भी पता होगा कि पेरेंट्स आने नहीं देते उनको लगता है स्टिल कि शायद ये शोबिज़ इंडस्ट्री है और यहाँ पर आपको आपको वैसे ही स्लीवलेस पहनना पड़ेगा उस ग्लैमर में एंटर होना पड़ेगा उस प्राइवेट गैदरिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा तभी आप कहीं जा सकते हैं आई वॉन्ट टू शो के आर फेयर प्ले से भी आप आगे जाते हैं टाइम लगता है इट्स बीन लाइक फाइव ईयर्स और फाइनेंशली uh, मैंने बहुत सफ़र किया क्योंकि वो सैलरी बहुत कम होती थी काम बहुत ज़्यादा होता था लेकिन वो कर कर लिया और बहुत सारे लोगों को मैसेज दे दिया कि आप अपनी खातिन बच्चियों को भेजें उनको स्ट्रेंथन करें अगर आप उनको पेपर स्प्रे देकर ये सिखा रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस की ये चीज़ है तो ऐट द टाइम ऑफ़ इंसिडेंट अगर उनके निकालते हुए हाथ कांप रहे हैं तो वो कौन सा सेल्फ डिफेंस है इट्स ऑल अबाउट द इनर स्ट्रेंथ जो आपको अपनी बच्चियों को सिखानी पड़ेगी तो बहुत सारे लोग आज इंस्पायर होकर जब खातन मैसेज करती हैं ना कि आई वॉन्ट टू मेक माई डॉटर लाइक यू तो वो मुझे लगता है कि आई हैव वन द गेम माशा एब्सलिटली एंड आई थिंक दुआ आपने कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की यहाँ पे कि हम लोग बातचीत जब खुवान की सिक्योरिटी की करते हैं तो यही कहते हैं कि इनको पेपर स्प्रे दे दिया जाए और तमाम जिम्मेदारी हम खुवान पे ही डाल देते हैं कि आप अपना मुहाफ़ खुद बने आप बाहर निकलते हुए एहतियात करें लेकिन बड़ी कम गुफ्तगु होती है कि माशरे को ही हम इतना अकाउंटेबल रखें कि कोई भी मर्द औरत ट्रांस अगर बाहर निकले तो वो सेफ फ़ील करें एग्जैक्टली अब डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी काफ़ी थ्रिलिंग भी है काफ़ी एडवेंचर भी है और एडवेंचर में काफ़ी रिस्क भी होते हैं ये शो हमने डेडिकेट किया है डिसेबिलिटी को जैसे मैं आपकी दोस्त दोस्तों और मेरी एक फ़िज़िकल इम्पेयमेंट है और आपसे मेरी दोस्ती हुई बहुत अच्छा एक साथ रहा है लेकिन कभी आपने भी कोई डिसेबिलिटी महसूस की है फ़िज़िकली मेंटली या माशर्ती तौर पर आई एम आई हैव बीन सफरिंग फ्राम मेंटल डिसबिलिटी क्योंकि मुझ पर इतना प्रेशर है और आई कैन इवन इमेजन कि जब वेन यू कंसिडर यूर सेल्फ़ डिसबल तो लोग कितना ज़्यादा आपको ट्रामाटाइज करते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये क्राइम रिपोर्टर है इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये बाइक करती बाइक चलाती है और इसने चूँकि मेडिकल छोड़ा और फिर शी आ, एंटर्ड इन टू मीडिया और इसने मैस कॉम किया ये क्या डिग्री हुई इसने तो अपने बहन भाइयों के लिए रास्ते ख़राब कर दिए हालाँकि माई सिस्टर इज़ केमिकल इंजीनियर तो ऐसी बात नहीं है मैंने सारी चीज़ें तोड़ी लेकिन वो डिसेबिलिटी मैंने फील भी की है मैंने महसूस भी की है लेकिन इसकी दो एक्सट्रीम्स हैं मैंने सीखा है या तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और आप कहते हैं कि यार दैट्स फ़ाइन आई एम ब्लेस्ड कि मैं मैंने ये चीज़ फ़ील की और मुझे पता चला है कि कैसा फ़ील होता है जब आप पर ये सारी चीज़ें आती हैं और यू कैन मेक द वे दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप बिल्कुल मायूस होकर कहते हैं कि यार आई एम डिसेबल एंड आई कैन नॉट डू एनी आपने जैसे फ्रूट चार्ट फिल्म बनाई थी तो वो भी मेरी इंस्पिरेशन है और मुझे ये पता है कि अगर आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और उसको ब्लेसिंग लेते हैं और फिर लड़ते हैं अब लड़ने का मतलब ये है ना वो कोरोना से हमने जब लड़ना शुरू किया था तो हम ज़्यादा विक्टमाइज़ हो गए थे आपने एहतियात करके सेफ़ एग्जिट लेना होता है हमेशा वो रेड लाइन तक नहीं जाना होता ब्लू टू येलो लाइन जो सफ़र है ना उसमें फिर आप ये फ़ील करते हैं कि यार यू आर ब्लेस्ड एंड यू कैन कन्वे मैसेज टू अलाट ऑफ ऑडियंस के ये डिसबिलिटी अगर आपको है तो आपने क्या करना है प्लस हमारे में तो मेंटल डिसेबिलिटी की बात ही नहीं होती ठीक है फिजिकल डिसेबल uh, लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि कुछ नहीं कर सकते जैसे आपने कर दिखाया वैसे मैंने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नाउ आई एम सो हैप्पी आई डू एडवेंचर मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ और बाइक पे स्टंट भी करी होती हूँ बड़े हिफाजत हिफाजती तरीके से यकीन है हाँ। कि भी रखती हैं आपने बड़ी अच्छी भी एक बात की मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ के बारे में व्हेन यू आर सराउंडेड बाय स्टोरीज़ जो कॉन्स्टेंटली एक ट्रॉमा क्रिएट कर रही हैं बात करने वाले के लिए भी और आपके लिए भी और आप घर आ रही हैं आपके पास कोई एवेन्यू नहीं exactly. है टाइम ही नहीं है कि उस ख़ुद को आप डिटॉक्स कर सकें या थेरेपी के लिए जा सकें दो हाउ डज़ ऑल ऑफ दैट अफेक्ट यू और हाउ डू यू डिटॉक्स योर सेल्फ यूर एक्चुअली माई एंटरटेनमेंट इज फूड तो इट्स क्वाइट ईजी टू डिटॉक्स माई सेल्फ टाइम कम टाइम लगता है और मैंने ना फूड को अपना एंटरटेनमेंट बना लिया एक्चुअली वो मेरी सेहत पर तो उसका खासा बुरा इफेक्ट वो, वो भी लॉन्ग डन में आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया लेकिन देखें ना हमारे यहाँ थेरापी का कॉन्सेप्ट नहीं है अगर मैं आज मुझे पता है कि अगर मैं अपनी थेरेपी के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ तो कल शायद मैं किसी ख़बर की जीनत हूँगी मैं शायद पागल हो गई हूँ और मुझे छोड़ देना चाहिए और फिर अगर कोई मुझसे ब्लेंडर होगा ना तो क्राइम स्टोरी में या मैं कहीं पर हार्श हूँ तो लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि यार ये तो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती है इसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं है अभी रिसेंटली जो वाक़ हुआ है एक शख्स ने ज़िबा कर दिया एक लड़की को अब हम उसे कह रहे हैं वो नफसियाती है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस आप एक ड्रग एडिक्ट को ऐसे नहीं कह सकते कि अगर वो अपनी ड्रग एडिक्शन के लिए कहीं जा रहा है तो आप उसका एज नहीं ले सकते इसलिए हम लोग थेरेपी मतलब मैं भी उस अब क्योंकि सोसाइटी का पार्ट हूँ इसलिए आई एम ऑल्सो फियरफुल कि मैंने कहीं नहीं ऐसा जाना किसी को पता ना चल जाए लेकिन स्टिल मैं अगर बहुत ज़्यादा चूँकि आप देखें ना अगर आपके घर के आ, साइड वाले घर पर एक मर्डर हो जाए कभी पाँच साल में तो आपको वो सालों याद रहेगा कि यार बहुत अच्छा बंदा था कैसे हो एंड आई हैव टू फेस एवरी डे दी स्टोरीज़ किसी छोटी सी बच्ची का रेप हो गया है किसी को काट के फेंक दिया है वो जैनब कत्ल स्टोरी कत्ल केस को तकरीबन आज चार साल हो गए हैं और चार साल के बाद भी जब मैं कायनात से भी मिली हूँ पिछले एक साल में तो वो एक साल में रोज़ मुझे याद आती है वो बच्ची कि वो आसमान को देख रही है और वो रोई जा रही है ना वो मर रही है ना वो ज़िंदा है छोटी सी बच्ची है छः साल की तो ऐसी हज़ार स्टोरीज़ हैं जो आपके सबकॉन्शियस में रहती हैं डिटॉक्स करने का फिर बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक अच्छे हेल्दी गैदरिंग में बैठ जाएँ और ये फैसला करें कि यार चीज़ें कम कैसे होंगी जब मैं कुछ ब्लॉग लिख लूँ सोशल इशू पर जो मुझे लगे कि शायद मेरी ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिल सकती है या यूट्यूब पर वीडियोज़ बना लूँ और वो वीडियोज़ बिल्कुल आ, थ्रिलिंग भी होती हैं सम टाइम आई लव टू वेयर वेस्टर्न और वो टॉम बॉय वाले कपड़े तो मैं अच्छे कपड़े पहन पहनकर ना अपने फेवरेट कपड़े पहनकर अपने आप को डिटॉक्स कर लेती हूँ क्या बात है अब मुझे यकीन है कि जितनी मेंटल क्लैरिटी है आपको आप यू आर अवेयर ऑफ द अफेक्ट्स ऑफ योर फील्ड और आप कहीं ना कहीं उसका एक मैकेनिज्म मेकेजम डेफिनेटली कर रही होंगी अब यू आर अ यंगस्टर और आई थिंक इस उम्र में मोस्टली लड़कियाँ जब मैं भी चौबीस साल की थी जो कि मैं अब नहीं हूँ मुझे शॉक सो स्वीट ऑफ यूट सो डेरिंग क्या बता दें हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं तीस साल की हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आई थिंक शुक्र है मैंने तीस साल जिंदगी के बड़े अच्छे गुजार लिए हैं लेकिन जब मैं उस एज में थी मिड ट्वेंटीज़ में तो मेरे भी शौक ये थे अच्छे कपड़े जूते जूते तो तब मैं लेग्स पहनती थी इसलिए वैसे मेरी टांगे नहीं हैं लेकिन मैं प्रोस्थेटिक्स पहनती थी और ज्वेलरी मेकअप ये सब चीज़ों के मुझे शौक थे और नॉर्मल फिल्में देखना गाने सुनना सोचना अपने फ्यूचर के बारे में यू you नो know, बच्चे फैमिली ऑल ऑफ दैट आपके भी आई एम श्योर यही ख्याल हैं क्योंकि आप एक बड़ी रेगुलर यंगस्टर हैं आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है वो बहुत रिफ़्रेशिंग है क्योंकि आपका सोशल मीडिया सिर्फ क्राइम स्टोरीज़ के बारे में नहीं है यू आर अ रेगुलर पर्सन बट एट द सेम टाइम आप जो ज़िंदगी जी रही हैं ना वो बहुत डिफरेंट है okay. आप एक बहुत मुख्तफ नज़रिए से दुनिया को देख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात आपने पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में सीखी समझी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी यार पाकिस्तानी पीपल आर सो कर्टियस एंड दे आर सो काइंड जो मैंने मैं बहुत सारे और लोगों से मिलती हूँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक आए होते हैं यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि दस साल में क्राइम बढ़ा जब डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पर हमारी भी गलती है एन जी ओज़ ने या हम लोगों ने इनफ्लुंसर्स ने यह कहा कि सेक्स एजुकेशन पर बात करेंगे रेप स्टोरीज़ कम होंगी बट हमने ये देखा कि सेक्स एजुकेशन पे जब बात होना शुरू हुई तो पोर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट आ गया लोग इजी हो गए कि यार आप ऐसा कंटेंट देख सकते हैं या हमें ये नहीं बताया गया कि बच्चे को बताना कैसे है गुड टच और बैड टच हमने उसको खोल खोल के बताना शुरू किया वो बच्चा था छोटा उसका जहन इतना खुल गया कि फिर उसने खुद सर्च करना शुरू कर दिया वो जब सर्च करना शुरू किया तो समझ आई कि उसमें फ़्रस्ट्रेशन आ गई फिर चूँकि मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा है अक्सेस है हर बंदे तक ना अब नाइन क्लास का अगर बच्चा है ना तो उसकी भी तीन चार गर्लफ्रेंड्स होती हैं अब उससे पूछें लड़कियाँ आप कैसे जानते हैं शी इज़ माई इंस्टा फ्रेंड फैशन हो गया ना और जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है उसको कॉम्प्लेक्स हो गया यार मुझे कुछ छेड़ता ही नहीं है मेरे साथ हरासमेंट होती नहीं है इसका मतलब आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल तो ये स्टेटस को जब चीज़ें हमने बना दी ये चीज़ें मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी में है नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है जब हम कल्चर से दूर हुए और हमने वेस्ट को कॉपी करना शुरू किया ये सोच कि हम बहुत लिबरल हो जाएंगे वहाँ पर लिबर्टी की डेफिनेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हमारी सोच भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई अब मुझे इतना दुख होता है तंजीला बहुत अच्छी लड़कियाँ बहुत अच्छे घरों की लड़कियाँ बहुत अच्छे घरों के लड़के छोटे शहरों से इस्लामाबाद या लाहौर आते हैं और यहाँ पर आ अपना करियर शुरू करते हैं फिर उनको समझ आती है ये यार असल शशका पता क्या है कि वो जो लोग बैठते हैं ना उस क्लब में उनकी लाइफ है अब वो उसमें एंटर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो भूल जाते हैं सोशल नॉर्म्स क्या थी वो भूल जाते हैं कि उनकी अपनी वैल्यू क्या है वो अपने आप को गिराते जाते हैं और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होती जाती है होती जाती है अ डे काम्स जब हम सुनते हैं यार फल लड़की का मर्डर हो गया वो लिविंग रिलेशनशिप में थी यार वी आर पाकिस्तानी हमारे यहाँ ये नहीं होता हमारे यहाँ लिबरल होने के लिए लिविंग रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है प्लीज़ अंडरस्टैंड इट तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें ना हमने अपने ऊपर सवाल किए हैं और हम लोग ही हैं जो इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े साने होते हैं तो ये ख़त्म हो सकती हैं अगर हम अपने आप को वैल्यू करना सीख जाएं हम इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन सीख जाएं हम इंडिपेंडेंट वुमेन की डेफिनेशन सीख जाएं हम एम्पावर्ड लेडीज़ को तंजीला ख़ान की तरह देखें जन्नत मिर्ज़ा की तरह नहीं देखें और दुआ मिर्ज़ा की तरह देखें मतलब वट एवर यार देखें ना आप काम कर रही हैं तो यू आर समथिंग इट्स नॉट लाइक दैट मैक वो मतलब मैं जन्नत मिर्जा का नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ बिकॉज वो खबरों की जीनत है मैं उस विक्टम ब्लेमिंग नहीं कर रही करी वो एक खबर मैंने देखी बात करती हूँ आप बेसिकली जिक्र कर रही हैं उस मीडिया का जो एक ही तरह के प्रोफाइल को बहुत ज्यादा टेंशन exactly. देती है, लेकिन बहुत सारी खबी है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो हम बिल्कुल भी जन्नत को टारगेट नहीं बिल्कुल हम उस मीडिया को मीडिया को टारगेट कर रहे हैं हम उस वो भी बेचारी मासूम है उसको भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है Uh, वो एक मैं सोशल मीडिया पे एक बड़ी हेडलाइन बड़े न्यूज़ चैनल की देख रही थी जन्नत मिर्जा ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई वीडियो वायरल हो गई यार ये हमारा लेवल है तो उसको भी विक्टिम एग्जैक्टली exactly, बात एग्जैक्टली exactly. तो उसका भी कसूर नहीं है ये हमारा कसूर है ऐसे सोसाइटी के हम दे आप टी चैनल से आप बात करें वो कहेंगे यार लोग देखना ये है चाहते हैं उस पर वन पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज़ थे उस वीडियो पर एंड शी वॉज डूंग वो खानपुर डैम में बड़ी रेगुलर डाइव करती है और वो एक टिकटॉक वीडियो है मतलब एक बड़ी थ्रिलिंग से वीडियो है मेरा सवाल है कि अगर ये वीडियो इस दुनिया में ना होती तो क्या दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती बढ़ती यही हमारा मसला है आ, मैंने एक केस कवर किया एंड शी केम फ्राम कराची वो एक लड़की थी शी वॉज वेरी यंग शी सेड यार मुझे ना हानिया खान बना दो या मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू करो कि मैं वायरल हो जाऊँ अब अगर निमरा अली का इंटरव्यू वायरल होता है और हम ये कहते हैं कि एक बच्ची है छोटी सी और वो बहुत तेज तेज बोलती है तो हर बंदा निम्रा अली नहीं बन सकता वो सिर्फ एक ओ इंसिडेंस है हमारे यहाँ बहुत फेम होने के लिए इनकी यूट्यूब आ गया इज़ अ यूट्यूबर अब हम ये भूल गए कि कॉन्टेंट क्या है हम कोई भी नेगेटिव चीज़ फैला रहे हैं अगर आपके यूट्यूब चैनल के दो व्यूज़ भी हैं ना यार तो वो दो व्यूज़ का भी इम्पेक्ट है बेशक बिल्कुल सही कह रही हैं आप वो दो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है लेकिन हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है अब सही कहनी है दुआ और आजकल जो वायरल होने का एक ऑप्शन आ गया है आई थिंक हमारी यूथ एक गलत डायरेक्शन में चली गई है क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे वी वॉन्टेड टू बी फेमस आई वॉन्टेड टू बी फेमस बट फॉर द राइट रीजन लाइक आई वॉन्टेड कि अच्छा तंजीला इस बात से जानी जाए कि ये कुछ अच्छा काम कर रही हैं ये इस बात से भी ना जानी जाए कि बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ा यू नो सोशल वर्क की तरफ है अगर तो मेरा सोशल वर्क कोई नतयज लेकर आ रहा है ना फिर मुझे बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए फिर सबको पता चलना चाहिए बट अदरवाइज सिर्फ एक लड़की जो व्हील पे है वो बड़ी फेमस है फॉर वॉट रीजन आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि आप समझती हैं पाकिस्तान के मसलों को आप अपनी पोजिशन भी समझती हैं और आपके अंदर एक ताकत भी है वो देखने वाले को सिर्फ ये लग रहा है कि क्राइम रिपोर्टर हैं लेकिन आज दुआ मिर्जा अगर क्राइम रिपोर्टर है ना तो उसके पीछे एक दुआ मिर्ज़ा है एग्जैक्टली exactly. जिसने उस क्राइम रिपोर्टर को बनाया है बिल्कुंग. मैं जानना चाहूँगी कि उस दुआ मिर्ज़ा की एग्जैक्ट ताकत क्या है और किस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहती हैं माशरे में बदलाव लाने के लिए वट आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो ये है कि मैं बहुत जल्दी अपने आप को पॉजिटिव कर लेती हूँ इफ़ आई गो टू सम नेगेटिविटी डिसअपॉइंटमेंट आई क्विकली मेक माई सेल्फ क्यों और अभी तो कल भी आनी है अभी सुबह होनी है रात थोड़ी हो रही है ये तो बस तीन चार घंटे की बात है एंड देट मेक्स मी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कभी कभी आप ऐसी कोई स्टोरी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बाप ने बेटी का रेप कर दिया यार समझ ही नहीं आती आपको आप न बोझ आते हैं ये क्या हो गया और फिर समाइम आप क्राइम स्टोरी कर रहे होते हैं लेकिन वो आपके चैनल की पॉलिसी नहीं है आप उसको ऑनियर नहीं कर सकते अच्छा ऑनियर चली गई है तो आपका ऐसा ताल्लुक़ है किसी पुलिस ऑफिसर से आप उसको कन्वे नहीं कर सकते आप कह नहीं सकते प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते फिर सम टाइम जो लोग हैं उनके मसले ऐसे होते हैं कि आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते इन एक्चुअल ना करना चाह रहे होते हैं लेकिन नहीं कर पाते सिस्टम ऐसा है करप्शन ऐसी है तो उसमें फिर समाइम लगता है यार छोड़ दो बस ठीक है इतना प्रेशर है फिर आप घर आएँ तो आपको लगता है यार साढ़े चार साल हो गए लोग मेरा इंटरव्यू करते हैं लोग कहते हैं आई एम सो ब्रेव और आप जब घर आते हैं आपको आ, समझ आती है कि आपकी मदर आपकी वजह से परेशान है क्योंकि शाम को एक आंटी आई थी और वो कह रही थी कि देख लो चौबीस साल होगी इसकी शादी नहीं हुई और लेट मी कोट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस मेरी छोटी सिस्टर है शी इज़ टोटली ऑपोजिट टू मी ना वो एक्जैक्टली exactly एक सोसाइटी uh, का वो वाली लड़की है ना वो शर्माती भी है और वो

वो उन आंटी का मसला जो रोज़ उनको आके पिंच कर जाती हैं और उनका उनकी टेंशन भी ठीक है आपको पता है हमारे यहाँ तो जब बच्ची बीस साल की होती है तो माओ को रात दिन टेंशन होती है कि यार इसका घर बस जाए बस हालांकि माय मदर इज़ अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ सो कॉपरेटिव उनकी वजह से ही आज मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ बिकॉज शी गेव मी स्पेस शी ट्रस्टेड मी एंड शी गेव मी अपॉर्चुनिटी कि ठीक है वट यू वॉन्ट यू कैन बी क्योंकि हम मैं मिडिल क्लास फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि मैं मीडिया में होती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा आ, फ्रीली काम कर रही होती और ऐसे टॉपिक्स पर काम कर रही होती जहाँ पर ख़ातन का उन चीज़ों पर बोलना ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि यार लड़की बहुत अच्छी है फैमिली बहुत अच्छी है पढ़ी लिखी फैमिली है लेकिन एक मसला है घर में अगर कोई मसला होगा ना शादी के बाद तो उसकी बहन क्राइम रिपोर्टर है फुल पुलिस आ जाएगी यार आपने मेरी बहन को मारना था उस पर तशद करना था लगता है इनके कोई ऐसी एग्जैक्टली exactly तो मतलब तो बहनी क्राइम रिपोर्टर है तो घर में ही रिपोर्टर बैठा हुआ है तो ये बड़ा मसला है हमारे मोशरे का बहुत लेकिन जब जब ये मसला होता है तो विद इन नो सेकेंड आई मेक माई सेल्फ के और अभी तो सुबह आनी है और सुबह एक और क्राइम स्टोरी करेंगे और आज ना कोई ऐसी क्राइम स्टोरी करेंगे जो खुतिन को इंस्पायर करेगी और कोई ना कोई मसला हल होगा तो फिर ज़्यादा थ्रिल आ जाती है उस अगले दिन में तो दिस इज दुआ हु मेक दुआ क्राइम रिपोर्ट एवरी डे मुझे यकीन है बिकॉज uh, जो स्ट्रेंथ आपकी ऑन कैमरा होती है ऑन फील्ड होती है आई एम श्योर कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना वो उससे आ रही है exactly. आपकी वो एजुकेशन से नहीं definitely, आ रही है definitely, definitely. वो आपकी जाती एक कोशिश है आपकी पर्सनालिटी है आई एम श्योर बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हुई होंगी आपके साथ भी और uh, कोई फ़न हमको कारमा की कहानी सुनाएँ कि आपने कभी अच्छा या बुरा किया हो आपको भी सलाह मिला हो या आपके सामने कोई ऐसा एक्जाम्पल हुआ हो सर so, बहुत बहुत फ़नी स्टोरीज़ होती हैं इवन क्राइम स्टोरीज़ कवर करते हैं और शायद वही आपको ज़िंदा भी रखती हैं आई रिमेंबर मैं एक मर्डर स्टोरी कवर करके वापस आ रही थी एंड देर वॉज़ माई कज़न विद मी एंड आई वॉज़ राइडिंग बाइक और वो पीछे बैठा हुआ था मेरे ही वॉज़ लाइक आ यंग ब्रदर और उसकी शादी थी एक महीने बाद मैं बाइक चलाते हुए वो नाराज़ हो गया मुझसे किसी बात पे बहस हुई बोल नहीं रहता मैंने रोड के बिल्कुल दरमियान में कोई रात एक बजे का टाइम था मैंने बाइक रोकी मैंने कहा बताओ ऐसे तो नहीं होगा पहले बताओगे तो बाइक चलेगी चल क्या हुआ इतनी देर में पीछे से एक बाइक आई उसने हिट कर दिया हम दोनों गिरे और दोनों के सर खुल गए अब आई एम ए क्राइम रिपोर्टर आई सी ब्लड एवरी एवरी डे मुझे तो मसला ही नहीं हुआ मैं एकदम उठी अब मेरा ये पूरा ये बारह टांके लगे हुए यहाँ पर और पूरा सर खुल गया और उसने जैसे ही खून देखा ना वो भी होश हो गया Oh यार उसकी एक एक महीने बाद शादी थी एंड द ओनली थिंग आई वॉन्टेड मैंने कहा अल्लाह ताला सब कुछ ले लो मुझसे बाइक भी ले लो क्राइम पीट भी ले लो. इसको होश चढ़वा मैंने कहा उसकी शादी है बेचक उसको बाद में कुछ हो जाए इसको आज गॉड oh तो, तो फिर ठीक हो गया ना वो उसको वो आधे घंटे होश में नहीं आया और आई टोक के टू हॉस्पिटल और वो डर गया था मुझे सिर्फ ये था कि यार अभी कुछ हो गया ना अब मैं उसको हिला रही हूँ और मैं अनकॉन्शियस में कह रही हूँ भाई तू बेवा हो जाएगा उठ जा उठ जा God. <laughs> तो, <देवन। laughs> तो बस फिर होगी ना हाँ, शादी फिर वो उसकी शादी हो गई लिविंग वेरी हैप्पीली लेकिन मुझे अक्सर याद आता है कि और मुझे याद करवाता है कि यार तो मुझे कही थी यार बाद में कुछ हो जाए अभी हो बाइक मैं चला रही थी हाँ। तो वो, वो जो बाइक चला रहा होता है एफ आई आर उस पे होती है और ये सारी चूकी बातें आपको मालूम है आप कह रही होंगी कि मुझ पर खबर ना बन अपनी रिपोर्टिंग मैं ना कि एंड में वो एक्चुअली बाइक नहीं चला चलाया तो ऐसी स्टोरीज होती है और बाद में बड़ी हंसी आती है और ये मुझे लगता है कि इट इज़ यू हु मेक फन ऑफ योर सेल्फ इवन इट इज़ यू हु प्ले विद यू बिकॉज इतनी हार्ड फील्ड है ना तंजीला कि आप अगर बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना करें ऐसी चीज़ें ना हो आप थ्रिलिंग ना हो आप एडवेंचरस ना हो या आप पैशनेट ना हो तो दो दिन में आप फिर कहें कि यार बस आप थक गए बहुत मुश्किल हो हुँ. जाएगा अच्छा दुआ अगर आप एक रंग होती है तो कौन सा रंग होती है मैं ब्लैक होती क्यों मुझे लगता है ब्लैक इज ग्रेस ब्लैक एक कैफियत है इट्स नॉट ए कलर मैं जब भी बहुत ज़्यादा डाउन हूँ तो आई वियर ब्लैक एंड आई फील माई सेल्फ सो एनर्जेटिक अच्छा आपको लगता है कि ब्लैक एनर्जी कलर कनेक्ट करते हैं और आपको एनर्जी भी देजैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग आई एम श्योर आपका कभी ना कभी थोड़ा सा टाइम ऑफ भी होता होगा और उस टाइम ऑफ में आप क्या करना पसंद करती हैं और अगर आप कुछ रिकमेंडेशन दें मुझे मेरी ऑडियंस को कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो आपको अच्छी लगी हो कोई किताब आपने पढ़ी हो आपको अच्छी लगी हो कोई गाना जो आपको बहुत पसंद है हमको सुनना चाहिए या कोई जगह जहाँ पे आपने विजिट किया इतनी चीज़ें हैं लेट मी टेल यू खान आ, अगर खाने आप बहुत ज़्यादा डाउन तो अच्छा खाना खाएं जो आपको पसंद है क्या बात है बहुत अच्छी एडवाइस है क्योंकि फिर आप किसी और तरफ नहीं जाते हमारा मसला पता क्या है हमने ये समझ लिया यार Uh, बहुत सारे लोग ना जो ड्रिंक करते हैं जो सिगरेट पीते हैं ना उनको लगता है कि वो सिगरेट पीने से वो एनर्जेटिक हो जाते हैं वो चीज़ भूल जाते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता वो चीज़ उधर ही रहती है ट्रस्ट मी मुझे मामा बहुत ज़्यादा हैं या मुझे किसी दिन शोकाज हो मैं फ़ौरी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाती हूँ और मैं अच्छा खाना खाती हूँ आई फील एज लाइक जिस बंदे ने चर्स पी हुई है <laughs> तो कौन सा खाना आप खाती हैं और कौन मुझे स्टेक्स बहुत पसंद है आई लव पास्ता तो मैं वो चीज़ें खाती हूँ लेकिन आई डोंट रिकमेंड आप सब्बे का सेलेड खाएँ नहीं हेल्दी रहे हम भी स्टेकी खाएंगे और बाप के साथ खाएंगे आपने हाँ, हाँ, मुझे बता दिए तो अगली मुलाकात हमारी एक टेबल पे होगी आई वुड लव टू और लाजमी प्लान करें आप जो भी काम कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में लाजमी जाएं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है अगर आप नहीं जा सकते तो अब तो इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली गई हैं चकवाल चले जाएँ कलर कहार चले जाएँ वहाँ पर बहुत मज़े का इन्वायरमेंट है मरी चले जाएँ इस्लाम चले जाएँ दो दिन के लिए यू एक्चुअली फ़ील की यार आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए मेक योरसेल्फ सेल्फ और कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं तो कभी भी नुसरत की कवाली ना सुने नेवर अच्छा। ओके okay, हाँ. क्योंकि उसमें होता यह है कि आप ना ख़ुद को मज़लूम समझना शुरू कर देते हैं उस वक्त इतहाई फ़ास्ट म्यूज़िक सुने बेफिक्रियाँ गाना सुने यू विल फील यार लाइफ तो बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और फ़ास्ट म्यूज़िक सुने जब बल्कि ज्यादा एनर्जेटिक है तो आप सुन लेंस नुसरत की कवाली सुने जब आप बड़ा अच्छा फील कर रहे एग्जैक्टली सैड सॉन्ग सुनते हैं ना आप पर वो कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है और फिर आप इंश्योर कर लेते हैं कि आप वाकई सैड हैं तो वो फिर प्लस प्लस हो जाता है और वो गलत करता कह है गो अगेंस्ट योर हार्ट इज मुझे लगता है बी लाइक वाटर मेक योर ओन वे गो विद द फ्लो डोंट टेक टेंशन लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सैड बी हैप्पी मेक मेक योर सेल्फ फ्री फॉर एवरी थिंग जजमेंट के लिए अपना आपको फेक ना बनाएं फे स्पेशली फ़ेसबुक पर जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कॉमनली उस पर यह होता है कि जो आप लग रहे होते हैं वो एक्चुअली आप नहीं होते फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आपकी बर्थडे हो रही है आप uh, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या जब आपको लोग मुबारकबाद दे रहे हैं आप उसको वीडियोज़ बना रहे होते हैं यू एक्चुअली डोंट इन्जॉय द मोमेंट तो फिर फेसबुक पर तो लग रहा है योर वाओ बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है बहुत अच्छा है Uh, मैं अपनी एक्जाम्पल देती हूँ एक हफ्ते से लकीली मेरी बर्थडे मनाई जा रही है तो कल मैं एक जगह गई और मैं बहुत ट्रैवल करके आ रही थी और मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था लेकिन मैंने वो इतना अच्छा नोट लिखा और मैंने वीडियो इतनी अच्छी बनाई फ़ॉरी मैंने उस मोमेंट को इन्जॉय नहीं किया तो आई मिस दैड और मैंने रियलाइज़ किया कि यार दैट्स फाइन मेक पिक्चर्स मेक वीडियोज़ बट एक्चुअली आप इन्जॉय करें कि आप किस मोमेंट में हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए अपने आप को इंगेज ना करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वॉल्व हों हर एक्टिविटी में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें हिस्सा लें हेल्दी एक्टिविटीज़ करें स्पोर्ट्स खेलें और खुश रहें बेहतरीन बहुत अच्छा आपने एक मैनुअल दिया है दुआ कि योर लाइफ इज वेरी हेक्टिक और बहुत सारे अब शोबे हैं जो उतने ही हेक्टिक होते हैं चाहे वो टीचिंग का हो exactly, या होनेस exactly. का हो उसके साथ साथ हैपनिंग इन द फ्यूचर एनीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन एनी लिए वी शुड बी एक्साइटेड या आई एम वर्किंग ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल और ये मैंने किसी रेटिंग या किसी बिजनेस uh, मॉड्यूल के लिए नहीं बनाया इट्स फॉर द दुमन एंड ऑल द विक्टम्स हु आर फेसिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटिस किया जंजीला के एक किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना उसको ये लगता है यार वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और बस ख़त्म हो गया फिर लिटरली ऐसे लोग हैं जो दस साल से सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि यार पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया देर आर थाउजेंड ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप जा सकते हैं तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट फॉर द सेक ऑफ़ अवेयरनेस कि आपके साथ कोई भी हैंडलिंग uh, हो जाती है कोई भी हैपनिंग हो जाती है तो आपने कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर आप जाकर फ्री लीगल एड ले सकते हैं या फिर आप जाकर हेल्प सीख कर सकते हैं या आप जाकर वहाँ पर आपका मसला इनएक्चुअल हल हो सकता है पुलिस पर प्रेशर कौन सा इदारा डाल सकता है और आप अगर इनएक्चुअल विक्टम हैं तो आपने कौन कौन से दरवाजे खटखटाने हैं जिस पर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी पुलिस इज़ नॉट द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म तो उसके लिए फॉर द सेक ऑफ़ अवेयरनेस और फॉर द सेक ऑफ़ नो सेंसेशन क्राइम न्यूज़ क्योंकि हम ढूंढते uh, हैं ऐसी खबरें जो कि सेंसेशन हो वहाँ पर तीन बंदे मर गए हैं और लिटरली चूँकि हमारा काम है हम रोज़ पूछते हैं यार सिर्फ तीन बंदे बंद हैं तो वो अक्सर जब आप रियलाइज़ करें रहे तो आप सोचते हैं यार ये या आप क्या कर रहे हैं यू आर ब्रेकिंग यू आर रनिंग आफ्टर ब्रेकिंग न्यूज जस्ट इतना नम हो जाता है इंसान कि उसको वो नंबर ही कम या ज़्यादा लगना शुरू हो जाता तो मैं इंफॉमेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए अपना यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हूँ और आई वॉन्ट एक्चुअली वॉन्ट टू बी आ मुझे लगता था कि मैं सिर्फ क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हूँ लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि आई वॉन्ट टू बी अ सिक्योरिटी ट्रेनर Uh, just, uh, जो सिक्योरिटी पर पर्सनल सिक्योरिटी पर uh, फिर मुख्तलिफ आई वॉन्ट टू लॉन्च सम प्रोजेक्ट्स जिसमें कोर्सेज़ मैं लॉन्च करूँ कि वुमेन uh, सिक्योरिटी क्या है पर्सनल सिक्योरिटी क्या है फिर अगर आपने कोई बाउंसर या फिर कोई गार्ड रखना है तो उसमें आपने क्या क्या देखना है कि कौन कौन सी uh, चीज़ें इसमें होनी चाहिए क्योंकि हम गार्ड कोई भी रख लेते तो हैं और पता चलता है कि सुबह तो वो पेंट का, का काम करता है और शाम को वो आपके यहाँ गार्ड है तो कोई भी ऐसी एपनिंग हो जाए तो उससे गाली गोली चलती नहीं है तो वो गाली निकाल कर ही काम चला लेता है तो ये मसला है आई एम वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स और यूट्यूब पर भी आप मुझे आए आने वाले दौर में देखेंगी और इट्स फॉर द ऑडियंस जो कि किसी भी मसले में फंसे हुए हैं और साथ साथ मैं अब अपनी भी एजुकेशन की तरफ जाऊंगी और इससे रिलेटेड मैं सर्टिफिकेशन लूंगी एंड वंस आई एल बी सर्टिफाइड तो आई एल बी अ ट्रेनर इन बेहतरीन दुआ एंड आई थिंक ये बहुत वेल आर्टिकुलेटेड प्लान हैं और बहुत टाइमली हैं हाँ। क्योंकि आजकल के दौर में ख़वान को सिक्योरिटी जनरली

पी you you so so आज की गुफ्तु बहुत इंटरेस्टिंग रही है मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर जान पाई हूँ बट मुझे यकीन है कि दुआ जो सर्फेस पे है और भी ज़्यादा गहराई है उनके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी थिंग यू आर डेफिनेटली पेविंग द वे फॉर सो मेनी अदर यंग गर्ल्स आर जो वाकई में आपको अपना हीरोइन कंसिडर करती होंगी और जब हम सी आई डी देखते हैं तो हमें एक खातू नजर आती थी जो थी exactly. का लेकिन वो कुछ करती नहीं थी तो लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा शो ही दुआ के एक कैरेक्टर पर बनना चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यकीन है कि एक दिन आएगा ऐसा एक सीज़न जो uh, जैसे क्वान्टे एक सीज़न आया ना फिर दुआ के नाम का एक सीजन आएगा रियली सो स्वीट ऑफ यू सो काइंड ऑफ यू सोड आई टू रिक्वेस्ट टू ऑल द वमेन फ्राम योर प्लेटफॉर्म दैट प्लीज़ कंसीडर यू आर नॉट अ शो पीस यू आर नॉट अ मॉडल यू आर नॉट एन एंटरटेनर यू आर अमेन एंड यू आर सो डार्डिंग टू द क्रिएटर हु मेड यू द करिएटर आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं ना आप उसके लिए कितना डार्डिंग हैज गिवेन यू द ऑपरचुनिटी एंड एबिलिटी कि आप उसका रोल भी अदा करें आप सब you रोल support. अदा करें तो आप बहुत बड़ी चीज़ें हैं आप सेक्रीफाइस के लिए ही बनी हैं और सेक्रीफाइस करने वाला कोई छोटी चीज़ नहीं होती अल्लाह तला ने उसको स्किल दी होती है तो प्लीज़ अपने आप को ज़ाया मत करें वेन आई सी यंग गर्ल्स और डूइंग ऑल दीज थिंग्स अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं सिर्फ इसलिए कि उनका फ्यूचर बन जाएगा और फिर पता चलता है कि फ्यूचर भी नहीं बना इज्जत भी नहीं रही और इज्जत से मेरी मुराद वो ट्रेडिशनल इज्जत नहीं है वो इज्जत है जो आप अपनी नहीं कर पाते बिल्कुल तो बहुत बात में और आती sacrifice है। से भी आपका मुराद ये है कि छोटी चीज़ों पर डो नॉट वेस्ट लाइफ अपनी लाइफ के बड़े आप गोल्स रखें बिल्कुल आगे बढ़े लाइफ में अपनी कदर करें और छोटे मोटे फेम और इन्फ्लुंसिंग और फेमस होने के लिए वायरल होने के लिए खुद को और तंजिला बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये अब सोचते हैं डिजिटल मीडिया के दौर में डू समथिंग डिफरेंट डू द बॉक्स ये आर फाइंड आउट वट यू कैन डू विद द बॉक्स ये बड़ा ज़रूरी है आई वॉन्टिड टू बी क्राइम रिपोर्टर दैट्स वाई आई एम अ गुड क्राइम रिपोर्टर गुड क्राइम रिपोर्टर से मुरादा है आई एम इन्जॉइंग माई वर्क हम ये करते हैं जी हमें हंसना अच्छा नहीं आता या हर चीज़ में वो है ना हर चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हैं इफ़ यू कैन लव गुड यू कैन भी समथिंग वो आप वो एक ख़ातून है जो हसब हाल में हंसती हैं उनका भी तो करियर है ये अगर आप लोगों को अच्छा हंसा सकते हैं तो अमानुल्ला खान साहब भी तो हैं मतलब डू वट यू कैन डू ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ हम कहते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं वो लोग ये कर रहे हैं ना हम कुछ डिफरेंट करते हैं हालांकि वो हम कर ही नहीं सकते तो हम ही कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं वह डिफरेंस होता है तो हम भी कर सकते हैं वाला बने ताकि हम भी रहें और वो करें जो आप वाकई कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल इनके अपनी सलाहियों पे फोकस थैंक यू सो मच दुआ बहुत अच्छे नोट थैंक यू करिए थैंक यू एवरीबॉडी प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ब्रेन मसाला थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और इनशाला विल बी बैक विद अनदर गेस्ट